नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप सबका स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम सीवीसी एक्सट्रीम के फ्रंट टायर को रिप्लेस करने वाले हैं। तो ये जो टायर है बहुत ज़्यादा वॉर्न आउट हो चुका है, ये मैंने अभी ध्यान नहीं दिया। देखिए, आप देख सकते हैं जैसे कि जो साइड वॉल है वो यहाँ पे क्रैक आ चुके हैं और फ्रंट से ये बिल्कुल ही वॉर्न आउट हो चुका है। हम एक्चुअली ध्यान नहीं देते चीज़ों के लिए कि आपका जो टायर इतना वॉर्न आउट हो जाता है, आपको पता नहीं चलता। ये मुझे कब पता चला, जब मेरे जो हैंडल बार में एक तरह की वाइब्रेशन और एक तरह से टायर जो हैंडल है वो कांपता था। जब मैं कभी भी हाई स्पीड में जाता था या कोई भी जैसे एंडुएशन आती थी तो टायर जो था, बाइक थी पूरी हिलती थी। और जिसके कारण एक चीज़ और हुआ, एक बार इसमें पंचर हो गया, तब मुझे पता लगा कि ये जो टायर ये चेंज होना है, इसको भी वेयर आउट हो गया है। जिसके कारण जो आपका यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये जो शॉक है वो लीक हो चुका है वो पूरा। ये जो शॉक लीक इसलिए हुआ, जब ये टायर में पंचर लगा था तब ये ढंग से बैठा नहीं है इसके साइड वॉल्स, जिसके कारण क्या हुआ, ऊपर नीचे शॉक्स काम करते रह गए और जिसके कारण जो है जो सील है वो लीक कर गई। तो अब मैं इस गाड़ी को ले जाऊंगा और टायर चेंज करवाऊंगा, तो मैं देखूंगा इसमें कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। क्या मैं इसमें ट्यूब वाले डराऊँ या ट्यूबलेस वाले डराऊँ। देखिए, अलॉय व्हील आप पे कोई से भी हो, ठीक है, आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा क्या उसकी अलॉय की कंडीशन सही है, क्या उसमें ट्यूब वाले डल सकते हैं या ट्यूबलेस वाले, क्योंकि हर अलॉय में ट्यूबलेस वाले टायर नहीं डल सकते। उसका मैं रीज़न बताता हूँ। देखिए, जो अलॉय व्हील होते हैं वो ट्यूबलेस और ट्यूब टाइप के हिसाब से बनते हैं। जो ट्यूबलेस टायर होते हैं वो पहले वाटर जो होती है उनमें चेकिंग होती है। जो मैं, क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हम वहाँ पे अलॉय बनते थे, तो वहाँ पे क्या होता, जो ट्यूबलेस वाले टायर आते थे उनकी इंस्पेक्शन अलग होती थी और उनका जो रनआउट है पूरा, मीन्स रनआउट मतलब यहाँ से जो पूरा उसको चेक करते थे कि कहीं से वो आउट तो नहीं है, तभी हम उसको जाके आगे कंपनी में बेचते थे, ठीक है। तो वो रीज़न था। तो हमें यहाँ पे अभी चेक करना पड़ेगा, 2009 का मॉडल है, क्या इसमें ट्यूबलेस लग सकता नहीं लगता। तो इसमें मैं अभी जो लगा रहा हूँ टायर वो जैपर ही लगाऊंगा MRF का, आगे का पहले चेंज करूँगा, बाद में मैं जो है रियर का चेंज करूँगा। तो अभी मैं चेंज कराऊँगा, उसके बाद इसकी सर्विसिंग भी होगी और ये भी चेंज होगा। तो अभी इस गाड़ी को लेकर चलते हैं, टायर चेंज करवाते हैं और साथ में साथ अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो हैंडल है वो कांप रहा है एक तरह से। तो अभी हम गाड़ी के जो है फ्रंट के जो टायर चेंज करने वाले हैं, मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ जो आप खुली रोड पे ही करना। वैसे आप देखिए, जो टायर वो हैंडल है वो कैसे कांपेगा। ये अभी इतना नहीं कांप रहा पर ये कांपता है जब आप ज़्यादा हाई स्पीड में होते हो, ठीक है। तो उसका दो रीज़न होते हैं आपके, जब आपके टायर जो हैं साइड वॉल्स जो हैं वो ढंग से बैठते नहीं हैं, या दूसरा रीज़न जब आपके ज़्यादा वेयर आउट हो जाते हैं टायर्स, तब आपका जो है जो हैंडल है वो कांपता है। तो हम यहाँ पे अब आ चुके हैं यहाँ MRF के टायर सर्विस फ्रेंचाइजी में। यहाँ पे देखते हैं कि कौन से टायर हमें मिलने वाले हैं। तो अभी देखते हैं कौन से टायर यहाँ पे मिलेंगे, चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमारे पे दो टायर हैं, एक टायर है ये रहा रिप वाला, तो ये ट्यूबलेस नहीं है, ट्यूब वाला है। तो ये जो हमें कॉस्टिंग पड़ रही है इसकी 1650 रुपये की पड़ रही है, पर मैं ये वाला टायर डलवा नहीं रहा हूँ, मुझे ये पैटर्न पसंद नहीं आया। जो मैं पैटर्न डलवा लूँ पुराना वाला ही डलवा रहा हूँ, ये वाला जो पैटर्न है और ये नायरॉन ग्रिप वाला है, ये अप्रॉक्सीमेट 1750 है। पर देखते हैं कि लास्ट की कॉस्टिंग क्या आती है इसमें। तो अभी जो मैंने इनको बोला है कि जो लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग होगी 2022 की, वही यहाँ पे डलवाएंगे। तो अभी जो है हमने ये वाला ही पैटर्न चूज़ किया है, इसी को लगाएंगे। तो ये रहा हमारा नया टायर जैपर एफ एस डावेन नाइडो ग्रिप। तो एक रीज़न ये था कि मैं इसमें ट्यूबलेस क्यों नहीं डलवा रहा हूँ, क्योंकि रेस पे मैं ट्यूबलेस टायर लगाता हूँ, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो आगे फ्यूचर में उसकी एयर लीक होना हो, मैंने जैसे पहले कहा था, तो मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ, मैं ट्यूब वाला ही डला रहा हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मोस्टली जो है मुझे सिटी में चलना है या तो हाईवे में चलना है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है मुझे जनरली, क्योंकि जो है रिम इन्होंने जैसे बताया मुझे वो भी बात सही कह रहे हैं कि गाड़ी जो है पुरानी है, 2009 का मॉडल है गाड़ी का, तो मैं जनरली अवॉइड कर रहा हूँ। यस, मैं ये नहीं कह रहा कि जो पुराने अलॉय व्हील हैं उनमें फिट नहीं होता, बट यस फिट हो सकता है, बट रिस्क क्यों लेना। जनरली जो फ्रंट के टायर्स हैं बहुत कम पंचर होते हैं। ओरिजिनल MRF में हमेशा यहाँ पे जो है ब्रांडिंग लिखी हुई है, और बाकी जो नकली होता है उसमें वैसे सिर्फ वो पेंट से लिख देते हैं ना, जैसे आप इसमें देख सकते हैं ऐसे यहाँ पे वो लिख देते हैं कि पेंट से कि वो MRF है, ये तो आपको पता लग जाता है ये ओरिजिनल आपकी जो है MRF की ट्यूब है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, वैसे एयर नॉर्मल भी डालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं।
जो टोटल डैमेज हुआ है हमारा अप्रॉक्सीमेट 1700 रुपीज़। तो अभी मैं अगर बात करूँ टायर डालने के बाद, एक चीज़ है मतलब गाड़ी में अगर छोटे मोटे जो गड्ढे भी आते थे ना, उससे गाड़ी हिल नहीं रही, ऊपर नीचे नहीं हो रही, इधर से उधर आराम से। इम्प्रूवमेंट तो है, इम्प्रूवमेंट है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। फ्रंट टायर डालने के बाद इम्प्रूवमेंट बहुत हो जाती है, ये तो है। अब क्या है, मैंने यहाँ पे पहले ले जाता था ना इनके ऊपर पट्टियों के ऊपर, तो पहले गाड़ी हिलती थी, अब नहीं हिल रही है, मैं बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट। और अगर मैं हैंडल भी छोड़ूंगा तो वो कांपने दिया, पहले जैसे जहाँ हैंडल ना बहुत वाइब्रेट करता था, अब बहुत स्टेबल है गाड़ी। अब मुझे सिर्फ पीछे का टायर चेंज करवाना है, वो मैं अभी आगे करवाऊँगा, अभी थोड़ा बहुत चल रहा है टायर, वो भी हार्ड हो चुका है। देखिए जो जैपर है ना, पीछे वाले आगे वाले ये बहुत देर में घिसते हैं, आगे वाला मेरे हिसाब से टायर घिसा है पर पीछे वाला अभी तक मेरा घिसा नहीं है, बहुत टाइम हो गया ऐसे घिसते हुए। तो ये MRF के टायर्स हैं, ये सारे काफ़ी हार्ड होते हैं, हार्ड कंपाउंड के होते हैं, तो इनको वॉर्न आउट होने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, जब टाइम इतना लग जाता है जिसके कारण क्या होता है, ये बहुत हार्ड हो जाते हैं और जिसके कारण क्या आपको ग्रिप नहीं आ पाती। तो कोशिश करें इनको जल्दी से जल्दी, जहाँ आपको लगे कि आपको ग्रिप नहीं मिल रही वहाँ आप टायर चेंज करा दें और नए लगा दें। ओके, तो फाइनली मैं ये कहूँगा कि मैंने टायर चेंज करवा दिया और मुझे काफ़ी इंप्रूवमेंट मिल रही है इसके साथ। मैंने आपको एक इसके साथ एक ये चीज़ भी बताई कि इनकेस अगर आप देख रहे हैं अपने ट्यूब वाले टायर को ट्यूबलेस में कन्वर्ट करने के, तो एक बार कंसल्ट कर लें जहाँ से आप टायर चेंज करवाने वाले हैं। तो आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में भी रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा कि आपने उस टाइम तो आपने इसको ट्यूबलेस में कन्वर्ट करा दिया, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक दो दिन बाद उसमें एयर लीकेज हो रही है, फिर आपको क्या होगा, वहाँ प्रॉब्लम आएगी। जो टायर जिससे आपने ख़रीदा है वो उसे वापस करेगा नहीं करेगा, वो बोलेगा सर इसमें ट्यूब लगा लो सर, ये तो प्रॉब्लम तो रहेगी। तो इसलिए तो एक बार आप चेक करें कंपैटिबिलिटी है नहीं है। तो मैं जा सकता था ट्यूबलेस के, पर मैंने रिस्क नहीं लिया, सही बताओ मैंने रिस्क नहीं लिया और मैं जो है इसी टायर के लिए गया, ट्यूब वाले के लिए। और MRF ही क्यों, एक तरह से जो है मुझे कोई पास का जो है CEAT बाकी RALCO ये सब नहीं मिले, तो यहाँ पे MRF ज़्यादा पास था तो मैंने करवा दिया। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज़ करता हूँ। इन केस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।